गुरुवार सुबह जारी हुए सीनियर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर लिस्ट में चर्चित अफसर अमित मोहन प्रसाद का भी नाम रहा। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से हटाकर एमएसएमई हथकरघा और वस्त्रोद्योग का प्रभार दिया गया है। हाल ही के दिनों में एसीएस अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से तनातनी को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहे। इस बीच अन्य मामलों में उन्हें लोकायुक्त द्वारा नोटिस भी भेजी गई। उनके खिलाफ शिकायत पीएमओ तक पहुंची, जिसके जांच के लिए मुख्य सचिव तक को पत्र जारी हुआ। बावजूद इसके एसीएस मजबूती से पद पर बने रहे। हालांकि 31 अगस्त को जब एसीएस गृह अवनीश अवस्थी रिटायर हुए, तो उसके बाद जब फेरबदल की सूची जारी हुई तो उसमें नया बदलाव सामने आया। कोरोना के दस्तक से ठीक पहले 18 मार्च 2020 को अमित मोहन प्रसाद को विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया था। तब से लगातार उनका पूरे विभाग में दबदबा कायम रहा। विभाग में उनका रसूख इतना था कि उनके आदेश के आगे मंत्रियों के निर्देश भी बौने साबित होते थे। हालांकि हालात तब बदले जब योगी 2.0 में डिप्टी सीएम बनाए गए। बृजेश पाठक को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ दिन तो सब शांत रहा, पर बाद में टकराव शुरू हो गया। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर वेदव्रत सिंह के रिटायर होने के चलते विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए। ट्रांसफर लिस्ट में नियमों को दरकिनार करने के नाम डाले गए। लिस्ट जारी करने में इस कदर लापरवाही हुई कि मृतक डॉक्टरों के नाम भी तबादले की सूची में रखे गए। मामला हाईलाइट हुआ तो डिप्टी सीएम ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से लौटते ही अपर मुख्य सचिव को जवाब तलब किया। इस बीच तबादलों पर भी एसीएस का कड़ा रुख कायम रहा। खबर यह भी आई कि अमित मोहन प्रसाद ने लिस्ट जारी करने से पहले मंत्री के अनुमोदन लेने की बात भी कही थी। स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़े अफसर बनने से पहले वह 14 सितंबर 2017 से 17 फरवरी 2020 तक कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रहे। इस दौरान विभाग के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही से उनके किसी प्रकार के विवाद की खबरें नहीं आई, क्योंकि सरकार के पहले कार्यकाल में अमित मोहन का ठीक ठाक हिसाब किताब था। स्वास्थ्य मंत्री भले ही जयप्रताप सिंह हो, लेकिन ड्राइविंग सीट पर अमित मोहन ही रहते थे। विभागीय फैसले उनकी सहमति के बिना नहीं होते थे। हालांकि जब से बृजेश पाठक के पास ये मंत्रालय आया है, तब से अमित मोहन का जलवा कुछ कम हो गया था। फिलहाल लोकायुक्त ने इनके खिलाफ शिकायत का संज्ञान लेकर जवाब मांगा है। अमित मोहन प्रसाद पेट्रोलियम मंत्रालय में चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।